बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक सब नु खैर खरीत ना रखे, अपने हिफ्ज़ अमान से रखे और तुहाडियां तमाम जायज़ ख्वाहिशां पूरियां फरमाए। अज असीं बनावांगे मानसेरे की खास सौगात, मानी जिन्हों कहा जाता रोटी। इहदे च दो प्यालियां जिहड़ियां ना आटे दियां ने, ते एक चुटकी जिहड़ी है मतलब हाफ चम्मच तो थोड़ा जिन्ना कम इहदे च नमक जाएगा, सिर्फ नमक ही जाएगा, बाकी सानी होर कोई मसाला जात ऐड नहीं करांगे। एक चम्मच इहदे च बेसन ऐड होएगा, ये ओरिजिनल रेसिपी दे विच बेसन नहीं है, लेकिन असी थोड़ा जिन्ना ना चेंज कर रहे हैं, हल्का जिहा असी लाहौर का टच दे रहे हैं नाल, ते थोड़ा जिन्ना चावलों का आटा इहदे च जाएगा, यह जरा ना क्रिस्पी पन लैके आंदा है इहदे च। ते दो अंडे इहदे जाणगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक ने बचा लिया वरना अंडा जा पैन लगा सी। अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करांगे, फिर इन्हें गुन लवांगे। शहजादे थोड़ा जिहा सबर कर लो, अंडे इहदे विच दो ही जाणगे, बाकी जिहड़े ना वो साइड ते करते ने, ते इन्हां नूं अच्छे तरीके दे नाल असीं पहले मिक्सिंग करके फिर असीं इहदे जिहड़ा ना पानी ऐड करांगे हल्का हल्का। नहीं, आप मुझे तंग नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। आप मुझे काम करते हुए तंग नहीं करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ जी हाँ जी। ए हुण ना साडा आटा रेडी हो गया, बिल्कुल इंजी जिस तरह के ना बेसन की शेप होंदी है ना उस तरह का। रहमान रहीम, एदा स्टाइल है बनाने का, जिस तरह के फुल बनाया जाता ना इस तरह रोटी का जरा स्टाइल बनाया जाता है। यदि ना ठंडाई होंगी है और ना ही बाकी, अगर कोई मसाले वाली रोटी इंज बनाई जाए तो उन्होंने जोड़ा वो असी चमचे का इस्तेमाल करने, हांडी वाला चमचा या चाय वाला जो बड़ा चमचा होंगे जिन्होंने पंजाबी पौआ किया जाता है वो ऐड होंगे, लेकिन यह जरा ना हाथ के नाल ही ऐड करके तो इंज डिजाइनिंग बनाई जाती है। बिल्कुल नॉर्मल जी फ्लेम से इनू कम अज़ कम असी दो तो तीन मिनट देंगे ताकि जो है ना ये हल्का हल्का इनू सेक लग जाए, तो फिर यदि साइड चेंज करांगे। अगर पहले की तो यदि शक्ल जी ना सारी जितनी है डिजाइनिंग उपर बनी है, आरिया तिरछियाँ लाइना जी बनिया ना ये खत्म हो जाए ने। हम असी जो कुकिंग ऑयल ऐड करांगे, कुकिंग ऑयल नहीं सॉरी सरसों का तेल जो ना यही ऐड करांगे। सरसों के तेल के ना बहुत सोहने और बड़े क्रिस्पी बनते हैं। लो जी, साडा एक पराठा रेडी हो गया, हुण इसे स्टाइल दे नाल असीं होर पराठे भी बनावांगे। देखिए कितनी जबरदस्त शेप बनती है जी, हाथ के नाल पूरे उंगलियों के उपर छाप लग जाती है, इन्ना खूबसूरत और इन्ना इहदा टेस्ट जिहड़ा होएगा टेस्ट भी लाजवाब होएगा। बना के ट्राई करना। ऐ साडियां पांच रोटियां बन गईं दो प्यालियां दे विच और टाइम भी कोई नहीं लगा, बिल्कुल देखिए किन्नी जबरदस्त है, बिल्कुल सॉफ्ट और खूबसूरत तरीन चीज़ है। देखिए ऐ बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़रा जिन्नी जिहड़ा है वो सख्ती नहीं है, खराबी नहीं है। ते मानसरे की मशहूर सौगात है, ते अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट और शेयर लाजमी करना। बाकी थोड़े सब वास्ते दुआवां, हंसते वसते रहो, आबाद रहो, अस्सलामुअलैकुम।